दोस्तों मैं ऐशी रसोई में आज मैं आप लोगों के साथ एक कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये कचौड़ियाँ जो हैं वो नॉर्मल कचौड़ियाँ नहीं हैं, एक तो क्रिस्पी बहुत बनेंगी और साथ ही हम इसका प्रीमिक्स बनाएंगे जिसके बाद आपकी कचौड़ी क्रिस्पी भी बनेगी, टेस्टी भी होगी और आप उसे महीने दो महीने नहीं 6-7 महीने भी रखकर खाएंगे तो ख़राब नहीं होगी, बनाना काफ़ी आसान रहेगा। और इसके साथ ही हम बनाएंगे एकदम हलवा स्टाइल कुछ नए तरीके से आलू की सब्जी जो टेस्टी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। तो देर किस बात की है, एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को स्टार्ट करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी को स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स 6-7 महीने तक खराब न होने वाले प्रीमिक्स के साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाएंगे। तो 2 कप जितना मैदा ले लिया है, मैदा से परफेक्ट रिजल्ट आएगा और उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना नमक। फ्रेंड्स जब नॉर्मली कचौड़ी बनाते हैं तो हम कई बार कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, लेकिन इस कचौड़ी में डालिए आप देसी घी, और देसी घी भी आपका मेल्टेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा जमा हुआ सा घी, तो जिससे आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बनेंगी। जब हम कुकिंग ऑयल के साथ कचौड़ी बनाते हैं तो वो खस्ता तो हो जाती है लेकिन बाद में थोड़ी सी सोगी सी हो जाती है, लेकिन देसी घी का जब मॉइन लगाते हैं तो कचौड़ियाँ क्रिस्पी बनती हैं, ऑयल को काफ़ी कम एब्जॉर्ब करती हैं। तो बस 2 कप मैदा में 4 टेबल स्पून जितना देसी घी लिया, वज़न में देखेंगे तो 60 ग्राम जितना देसी घी ले लिया है। और इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो वो लड्डू की तरह तो बन जाएगा लेकिन तुरंत ही ब्रेक भी हो जाएगा। और जो इसका हम डो लगाएंगे वो बिल्कुल नॉर्मल पानी के साथ डो लगाएंगे, ना तो आपको ठंडा पानी लेना है और ना ही आपको गर्म पानी लेना है। तो फटाफट से डो लगकर तैयार हो गया है क्योंकि अभी आपको इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, बस इकट्ठा भर किया, डो तैयार है। और डो आपको रखना है थोड़ा सा सॉफ्ट, तो बस इसे रख देते हैं रेस्ट पे। जितने हमारे डो रेस्ट करेगा उतने ही हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे, यानी इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग जिसे आप महीनों रख कर खा सकते हैं। तो इसकी जो स्टफिंग बनने वाली है दोस्तों वो बनने वाली है उड़द की दाल के साथ। तो मैंने 1/2 कप जितनी उड़द की दाल ले लिया है जिसे साफ सूती कपड़े में डालकर एक बार अच्छे से पोंछ लिया, और उसके बाद मैंने अगेन ले लिया देसी घी बस 1 टीस्पून जितना। देसी घी का इसमें जो अरोमा आएगा ना वो बहुत ही शानदार होगा, तो बस देसी घी के साथ ही बनाइए। और उसमें डाल दी अपनी साफ करी हुई उड़द की दाल, और अब बारी है इसे भूनने की। फ्रेंड्स देसी घी के साथ जब आप इसे भूनेंगे तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और जब आप इसे लॉन्ग टाइम तक रख कर खाएंगे ना तो कई बार रिफाइंड ऑयल की जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए देसी घी के साथ बनाएं। करीब 2 मिनट तक पहले भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें 2 पिंच जितनी हींग डाल दी। अगर नॉर्मली आप 1 पिंच का इस्तेमाल करते हैं तो उड़द की दाल से आप 2 पिंच का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, साथ ही हींग पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो चलिए 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे एक बढ़िया कलर आ गया है। अब कर दीजिए फ्लेम को एकदम स्लो और इसमें डाला 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जितनी सौंफ, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला। अब इन मसालों को भी इस गरम दाल में हल्का सा भून लेंगे जिससे इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, साथ ही थोड़ा सा टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और भून लिया। ओवरऑल मुझे इसे भूनने में 5 से 6 मिनट का समय लगा है, तो अब इसे कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून जितना नमक, नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये है स्टफिंग और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं। तो लीजिए अब हमारी ये जो दाल थी और मसाला था एकदम बढ़िया सा ठंडा हो गया है, तो बारी है इसमें मिक्सी के जार में डालने की और इसे बढ़िया सा चर्न कर लेने की। और ये लीजिए हमारा मसाला बनकर तैयार है, लेकिन अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक और स्पेशल चीज़ डालनी होगी। एकदम खिला खिला बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार है, तो अब आ रही है वो स्पेशल चीज़ डालने की, और वो है फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। जब आप इसमें 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर डाल देंगे, यानी 1/2 कप डाल में 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और खाने वाला सोडा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे आपका ये जो प्रीमिक्स बनकर तैयार है ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और इसके बाद जब आप इससे कचौड़ियाँ खस्ते बनाएंगे ना तो बहुत ही फूले फूले मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए प्रीमिक्स भी बनकर तैयार हो गया है, अब आप चाहे इसे स्टोर कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे जैसे कि मैं इंस्टेंट कचौड़ी बनाने वाली हूँ वो बना सकते हैं। तो देखते हैं कचौड़ियाँ कैसे बनेंगी। अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रीमिक्स लिया, उसमें डाली थोड़ी सी कसूरी मेथी, खूब सारा हरा धनिया, और अब बारी है इसमें भर भर के पानी डालने की। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स
उड़द की दाल अभी अच्छे से फूल जाएगी, हो सकता है आपको कभी काफ़ी रनी लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे भी साइड से कर देते हैं और अब बनाते हैं स्पेशल आलू की सब्जी, जो इन कचौड़ियों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो बस गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी और उसमें डाल दिया 1 टीस्पून जितना देसी घी। इस समय आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून जितना जीरा डाल दिया। जीरे को बढ़िया सा चटका लेते हैं, पर इसके लिए आप जो जीरे को है ना बहुत ज़्यादा काला ना करें, बस गोल्डन सा रहने दें। और जैसे ही जीरा गोल्डन हुआ, बारी है कुछ खड़े मसाले डालने की। 2 पत्ते तेज पत्ते के, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 5-6 लौंग, 5-6 काली मिर्चें। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और आपकी जो सब्जी है ना वो स्पेशल बनकर तैयार होगी। और अगर आप ये सब खड़े मसाले नहीं डालना चाहते तो 1/2 टीस्पून जितना आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी, 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को आप इस सब्जी में पीस के ना डालें, कद्दूकस करके ना डालें, बस इस तरीके से रफली सा काट लें। इससे एक तो सब्जी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये गया टेस्ट के हिसाब से नमक, जिससे टमाटर भी फटाफट पककर तैयार हो जाएगा। अब बारी है बेसिक से मसाले डालने की। 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने सब्जी में गरम मसाला भी डाला है। और जब मसाला अच्छे से भून जाए, टमाटर बढ़िया सा पक जाए, इसमें हम एक और स्पेशल चीज़ डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। वो है फ्रेंड 2 टेबल स्पून जितना दही, और ये मैंने लिया है खूब सारी एकदम बारीक कटी हुई अदरक। अदरक का इस सब्जी में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, थोड़ी सी बाइट करती है, एकदम हलवाई स्टाइल, बहुत ही परफेक्ट सब्जी तैयार होगी। तो करीब 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी, जो हमने देसी घी डाला था वो भी रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि आपका जो मसाला है ना एकदम परफेक्ट पककर तैयार है। बिल्कुल देखने में लग रहा है ना जैसे हलवाई बनाते हैं या सड़क किनारे ढाबे वाले बनाते हैं वैसी सब्जी। तो अब बारी है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पनीर डालने की। बस मैंने करीब 30 से 40 ग्राम पनीर लिया है, इसके साथ ही थोड़ी हरी भरी सी सब्जी हो जाए उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून जितने हरी मटर के दाने ले लिए हैं। इससे फ्रेंड्स टेस्ट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए इसका लुक बहुत शानदार हो जाएगा। अब मैंने ले लिए 5-6 उबले हुए आलू, और आलू को बस रफली तोड़ के डाल देंगे। इसके लिए आपको आलू को काटना नहीं है, बस हाथ से मसलते जाइए और डालते जाइए। अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो 2 कप जितना मैंने पानी डाल दिया है। सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये सब्जी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। वो हींग वाली जो सब्जी बनती है ना वो ज़्यादा पतली बनती है, और ये वाली जो सब्जी होती है थोड़ी सी थिक बनती है। तो कवर करके फिर से 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और 2-3 मिनट में आप देखेंगे सब्जी में बढ़िया उबाल आ गया है, कलर बहुत बढ़िया हो गया है। तो ये गया 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर, और उसके साथ ही मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए एकदम आसान तरीके से बहुत ही बढ़िया और एकदम टेस्टी सी हमारी हलवा स्टाइल आलू की सब्जी इस कचौड़ी प्रीमिक्स वाली कचौड़ी से खाने के लिए तैयार हो गई है। 2 हरी मिर्ची डाल दी, मिर्चों को डालने के बाद आपको पकाना नहीं है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो अब आ रही है अपनी ये क्रिस्पी वाली कचौड़ी बनाने की। तो उसके लिए हमने जो प्रीमिक्स रखा था, अब आप देख सकते हैं काफ़ी ड्राई हो गया है क्योंकि उड़द की दाल थी फ्रेंड्स अच्छे से फूल गई है। अगर किसी स्टेज पर आपको लगता है कि दाल ज़्यादा सूखी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और हमने जो डो लगा के रखा था वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो अब बारी है फ्रेंड्स डो को बढ़िया सा मसल लेने की। तो 1 मिनट तक मैंने डो को अच्छे से मसल लिया है जिससे वो अच्छा स्मूथ हो जाएगा। फ्रेंड्स जब भी आप कचौड़ी का आटा लगाएं बहुत ज़्यादा हार्ड ना लगाएं, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कचौड़ियाँ फूलती अच्छी नहीं है, क्योंकि कचौड़ियाँ जो फूलती हैं वो पानी की वजह से फूलती हैं। जब पानी नहीं होगा तो भाप नहीं बनेगी और कचौड़ी बढ़िया नहीं फूलेगी। तो चलिए अब ये पड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस तरीके से एक एक पेड़ा लेते जाएं, थोड़ा सा हथेली पर ही बड़ा कर लें क्योंकि इसके लिए आपको बेलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिना बेलन के एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लिया, मसाला आपको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, जैसे नॉर्मली आलू की कचौड़ी में भरते हैं ना बहुत सारा मसाला, वैसे नहीं भरना है, थोड़ा सा मसाला भरिए। और इस तरीके से हथेली के साथ एक इम्प्रेशन दीजिए, इससे कचौड़ियाँ बढ़िया फूलती हैं। एक और बना लेते हैं। हथेली पे बड़ा किया, मसाला डाला
अच्छे से सिक्योर किया। बस अगर आपने सिक्योर अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी कचौड़ियाँ ज़बरदस्त बनने वाली हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, रेसिपी समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो अपने प्यार प्यार से कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, कुछ कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, अब बारी है सेकने की। तो करारी कचौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, आपको जो ऑयल गर्म करना है वो एकदम मीडियम करना है, और एक बारी में जितनी कचौड़ियाँ आराम से आ सके आप डाल दीजिए। और जिधर से हमने जोड़ लगाया होता है ना, वो हिस्सा आपको नीचे की तरफ रखना है, और डालने के तुरंत बाद टच नहीं करेंगे। बस आप एक बड़ी सी चम्मच ले लें, ऑयल को इस तरीके से ऊपर की तरफ डालते जाएं, और जब आप देखें कि कचौड़ियाँ अच्छे से फूलने लगी हैं, तब आप कचौड़ी को टर्न कर दीजिए। और ये देखिए, एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। फ्रेंड, जब हम थोड़ी थोड़ी कचौड़ियाँ एक बारी में सेकते हैं तो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती हैं, तो कोशिश करें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें और एक बारी में थोड़ी ज़्यादा कचौड़ियाँ सेकें। जिससे कि नॉर्मली आपने देखा होगा, हलवाई करते हैं ना, कि एक बारी में बहुत सारे समोसे और कचौड़ियाँ डालते हैं, तभी उनके कचौड़े और समोसे बहुत बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने कचौड़ियों को करीब 9 मिनट तक सेका, परफेक्ट सिक कर तैयार हैं। बारी आ गई प्लेटिंग की। सब्जी रखी, मज़ेदार चटनी और हरे धनिए की चटनी रखी, और ये गई कचौड़ियाँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या शानदार हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी क्रिस्पी हैं। ऑयल को बहुत ही कम एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी डाला था। साउंड बहुत ही शानदार है, देखते ही देखते आपका बनाने का मन हो जाएगा। और बनाने के बाद जब आप फ्रेंड्स इन्हें खाएंगे ना, तो आप इसके फैन हो जाएंगे। एक बार इस तरीके से ये दाल की कचौड़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जब आप प्रीमिक्स बनाकर रख लेते हैं, तो इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। जब भी कभी आपका कचौड़ी खाने का मन हो, बस दाल भिगोइए, आटा लगाइए, कचौड़ी बना लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हेल्पफुल रहेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को